हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलएस ब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे चैप्टर 20 चांदे फोरकास ऑसिलेटर। दोस्तों ये एंथ सॉफ्टवेयर है और मैंने यहां पे लिया गोल चार्ट, तो 30 मिनट का गोल चार्ट है, तो मैंने 30 मिनट का गोल चार्ट लिया और स्टडी में क्लिक करके आपको इधर मिल जाएगा। ये है चांदे फोरकास ऑसिलेटर, तो मैंने अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर मैनुअली पीरियड 14 का आता है, मैंने चेंज कर दिया तो 20 कर दिया। यहाँ पे अभी अप्लाई कर दिया, आप देख सकते हैं ये चांदी फोरकास ऑसिलेटर है। ठीक है दोस्तों, हम पहले जान ले चांदी फोरकास ऑसिलेटर के बारे में। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में CFO बोला जाता है। तो CFO बेसिकली इसका स्ट्रेटेजी है, ये प्राइस ट्रेंड दिखाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जीरो लेवल है, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर देता, जैसे यहाँ पे एक हॉराइजॉन्टल लाइन, तो ऑलमोस्ट जीरो लाइन का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जीरो लेवल क्रॉस किया है, तो मार्केट यहाँ पे था, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड है अब, तो यहाँ तक, यहाँ थोड़ा अप ट्रेंड प्लेस हुआ था, फिर से डाउन अप ट्रेंड यहाँ तक दिखाई दिया, तो फिर से डाउन टेन ले लिया, तो यहाँ से फिर से मार्केट अप टेन दिखा रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अगर ऑसिलेटर प्राइस जीरो लेवल के ऊपर निकल जाता तो उसका फोरकास्ट किया जाता है प्राइस ऊपर जाएगा। जैसे आप चार्ट में देखेंगे हम, तो आप इधर देख सकते हैं, जैसे ऑसिलेटर प्राइस जीरो लेवल के ऊपर निकल गया, तो आप फोरकास्ट कर सकते हैं यहाँ से कि प्राइस ऊपर तक जा सकता है। ठीक है, अगर प्राइस जीरो लेवल के ऑसिलेटर प्राइस जो ऑसिलेटर जो रहता है जीरो लेवल के नीचे आ रहा है, तो उसका मतलब प्राइस अभी नीचे आएगा। तो आप यहां से देख सकते हैं ये प्राइस ऑसिलेटर जीरो लेवल के नीचे आ गया, तो प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। दोस्तों ये है संधि प्राइस ऑसिलेटर फोरकास ऑसिलेटर। तो इसमें आप ट्रेड कैसे करेंगे उसका बारे में थोड़ा बात कर ले हम। दोस्तों ये गोल चार्ट मैंने यहाँ पे दिखाएंगे, तो ट्रेड कैसे करना है। जैसे अभी देख सकते हैं ये जो लास्ट पॉइंट है प्राइस का, देख सकते हैं ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, ये लाइन को पहले आप एक बार लोअर पॉइंट को देख लीजिए, ये लोअर पॉइंट जो रहता है, तो ये लोअर पॉइंट ब्रेकआउट किया क्या नहीं किया, तो आप देख सकते हैं ये जो पहले लोअर पॉइंट था, ये लोअर पॉइंट ब्रेकआउट नहीं किया। तो जब ब्रेकआउट नहीं करेंगे तो हम तो बाय की तरफ जाएंगे। जैसे अभी ये लोअर पॉइंट ब्रेकआउट नहीं किया, तो नेक्स्ट बार हम बाय करेंगे कहाँ पे, तो यहाँ पे, जब ये ऑसिलेटर नीचे आके फिर से जीरो लेवल क्रॉस करेंगे, तो उस जगह हम बाय करेंगे। जैसे यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये लोअर पॉइंट ब्रेकआउट नहीं कर पाया, ये पहले लोअर पॉइंट था और ये नीचे आया था, लोअर पॉइंट ब्रेकआउट कर नहीं पाया, मार्केट ऊपर गया, तो उस समय ये ऑसिलेटर फोरकास्ट ऑसिलेटर भी ऊपर गया था, तो फिर से नीचे आया, तो बाद में फिर से ये रीजन में ब्रेकआउट किया, ये रीजन में ब्रेकआउट कर लिया, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं ये एरिया में। ठीक है, ये एरिया में हम बाय ले सकता है। देखिए नेक्स्ट आप ये लोअर पॉइंट ब्रेकआउट, ये जो पहले लोअर पॉइंट था उसको ब्रेकआउट नहीं किया, यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गया, तो फिर हम नेक्स्ट बाय करेंगे इधर, कि आप इधर देख सकते हैं हम नेक्स्ट बाय करेंगे ये जो लास्ट पॉइंट, तो यहाँ पे हम बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ फिर से जीरो लाइन ब्रेकआउट किया हुआ है यहाँ। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये लास्ट लोअर पॉइंट है, ये लोअर पॉइंट ब्रेकआउट किया क्या, नहीं किया, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम बाय करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रेकआउट नहीं किया, तो नेक्स्ट हम बाय करेंगे ये जो ब्रेकआउट किया ऊपर से, तो इधर हम बाय ले सकते हैं, यहाँ पे हम बाय ले सकते हैं ये रीजन में, देखिए ये रीजन में हम बाय ले सकते हैं। तो नेक्स्ट ये लोअर पॉइंट था, इसको भी ब्रेकअप नहीं कर पाया, जैसे ये लोअर पॉइंट था, ये लोअर पॉइंट था, तो इसको ब्रेकआउट कर नहीं पाया,
अब देख सकते हैं ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो हम बाय करेंगे कहाँ पे, नेक्स्ट बाय करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से फिर से ब्रेकआउट किया जीरो लेवल ये रीजन में, राइट। ठीक है, नेक्स्ट ये लोअर पॉइंट ब्रेकआउट नहीं किया, हायर हाई बनाया, तो साथ में हायर हाई बना के जाना चाहिए, तो ये हायर हाई बनाया, तो नेक्स्ट मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, रिवर्स हुआ था, तो यहाँ पे हम फिर से बाय कर सकते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे ये रीजन, तो इधर सॉरी ये फिर से हम बाय कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उस समय आप देख सकता है बाय का इधर बाय का सिग्नल दिया हुआ है। नेक्स्ट ये लोअर पॉइंट था, ये लोअर लो बना नहीं पाया, लोअर हाई बनाया, तो इसमें हम फिर से बाय कर सकता है ये रीजन में और यहाँ पे, क्योंकि ये जीरो लाइन क्रॉस किया हुआ है, राइट, जीरो लाइन क्रॉस किया हुआ है, तो फिर से आप देख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ पे आपको एक बात देखना पड़ेगा, ये हायर हाई था, राइट, ये हायर हाई था, ये जो हायर हाई है, तो वो हायर हाई ये नेक्स्ट हायर हाई बेका तो कर नहीं पाया, तो ये जो पहले लोअर लो था इसको ब्रेकआउट कर दिया, नेक्स्ट लोअर हाई बना दिया और ये ऊपर फिर से ब्रेकआउट कर नहीं पाएंगे, कर नहीं पाया, तो हम सेल करेंगे यहाँ से। आप देख सकते हैं, तो आप इधर देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये अभी सेल का है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरो लाइन क्रॉस किया, हम तो सेल करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सेल करेंगे ये रीजन में, यहाँ हम सेल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम कहाँ सेल करेंगे, ये पोर्शन में, तो आप देख सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट किया ये रीजन में, हम फिर से सेल कर सकता है। ठीक है, ये सेल कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, फिर से ये लोअर लो उसको ब्रेकआउट कर दिया ये, और ये लोअर लो को ब्रेकआउट कर नहीं पाया, तो हम बाय करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जिसे हम बाय कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यह जीरो लेवल क्रॉस किया हुआ है। मैंने अगर यहाँ पे वर्टिकल लाइन दे दिया तो आप देख पाएंगे जीरो लेवल क्रॉस किया, तो हम इधर बाय कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों होप यू एंजॉय दिस वीडियो, टू लर्न मोर प्रॉफिटेबल एंड कॉम्बिनेशन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्लिक लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज और मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट बिलो एट दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।